हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश, इसका चैप्टर नंबर 12 जिसका नेम है कंटेमिनेटेड वाटर स्प्रेड्स डिजीजेस, यानी कि भरा हुआ पानी, जहाँ पे पानी भरता है, खड्डे भरते हैं, उनसे बीमारियाँ फैलती हैं। इस चैप्टर के आप टू वीडियोज़ देख चुके हैं, सॉरी थ्री वीडियोज़ देख चुके हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था कि मच्छर कैसे पनपते हैं, कौन सी जगह पर पनपते हैं और उनका हमारी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है और मलेरिया कैसे होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पेज नंबर 67। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विथ द हेल्प ऑफ एनी डॉक्टर, नर्स और एनी अदर हेल्थ वर्कर, कलेक्ट द पोस्टर्स विच आर कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीजेस। डिस्कस अबाउट इट इन योर क्लासेस दैट इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्थी, वट शुड एंड शुड नॉट बी डन। मीन्स कोई डॉक्टर हो, नर्स हो या अन्य कोई हेल्थ वर्कर हो, उसे जो डिजीजेस होती है यानी बीमारियाँ, उनसे बचाव यानी बचने वाले पोस्टर को इकट्ठा करना है आपको और क्लास में इन पर डिस्कस करना है। तो अभी तो क्लास नहीं है फिलहाल, तो आप ये काम अपने घर पे कर सकते हो। यानी पोस्टर्स वगैरह आपने देखे होंगे किसी बीमारी से लड़ने के लिए, जब कोई बीमारी फैलती है तो वाले कहीं पर भी पोस्टर लगाते हैं, दीवारों पर या फिर कहीं बस स्टैंड पर, है ना, वहाँ पे लगा के उस पर लिखा हुआ होता है कि इस बीमारी से बचने के लिए ये करें। और इसका एक मोस्ट एग्जाम्पल अभी ये भी है, कोरोना के चलते आपने देखा होगा हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं कि अपने हैंड वॉश करें बार बार, है ना, फेस पे मास्क लगाए, लोगों से दूर रहे। तो इसी तरह के जो पोस्टर्स होते हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए कहीं भी आपको दिखे तो। अब देखिए आगे क्या है। नेम ऑफ द डिजीज़, ये देखो सीक्वेंस पे टेबल बनी हुई है। नेम ऑफ द डिजीज़ यानी यहाँ पे तो बीमारियों के नाम दिए हुए हैं। कॉज ऑफ द डिजीज़ यानी उस बीमारी के जो फैलने के जो कारण है वो। सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ यानी कि उस बीमारी के, उस रोग के लक्षण क्या है, यानी कैसे पता चलेगा कि वो बीमारी को हुई है या नहीं हुई है। तो फर्स्ट है जॉन्डिस यानी पीलिया, जिसको हम पीलिया बोलते हैं हमारी भाषा में, जो फैलता है कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड यानी गंदा पानी और गंदा खाना खाने से वो बीमारी फैलती है, हमें पीलिया होता है। और इसके सिम्टम्स हैं डायरिया विथ येलो यूरिन यानी हमारा जो टॉयलेट है वो येलो होता है, और येलो टिंड आईज एंड नेल्स एंड वॉमिटिंग यानी आपको बार बार वॉशरूम भी जाना पड़ सकता है, आपको टॉयलेट भी येलो होगा और आपकी जो आईज है वो येलो येलो हो जाएगी, नेल्स भी येलो होंगे और वॉमिटिंग यानी आपको उल्टियाँ होगी। फिर है डायरिया कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड, इसमें भी गंदा पानी और गंदा खाना इससे होता है। मोर देन 4-5 मोशंस इन अ डे यानी बार बार लूज मोशन होना यानी वॉशरूम जाना। क्रैम्प्स इन द स्टमक यानी पेट में मरोड़ पड़ना, ऐसे लग रहा है कि बार बार हमें वॉशरूम जाने की इच्छा होती है। ड्राइनेस ऑफ द टंग एंड लिप्स, आपके होंठ और जीव आपको सूखे सूखे लगेंगे। रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन और आपको टॉयलेट भी कम आएगा। फिर है वॉर्म इन्फेस्टेशन यानी कि कृमि रोग, पेट में कीड़े, नाम तो सुना ही होगा आपने, ये कैसे होते देखो। कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड, ये भी गंदे पानी और गंदे खाने से ही होते हैं। इसमें क्या होता है, रिड्यूस्ड एपेटाइट यानी भूख कम लगती है। येलोइंग ऑफ द फेस, आपका चेहरा पीला पड़ता है। पेन इन द स्टोमक यानी पेट में दर्द होता है। फिर है पोलियो कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड, ये भी इसी से ही होता है। बुखार होता है इसमें, फीवर, हेडेक यानी सिर दर्द, स्नीजिंग यानी आपको जुकाम होता है, वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ होती हैं। स्पैम्स इन हैंड्स एंड लेग्स यानी अकड़न होती है, अकड़ते आपके हाथ और पैर। लेटर पैरालिसिस इन द लेग्स, और पैरों में बाद में लकवा भी हो जाता है और जिससे आपका एक पैर छोटा और एक पैर बड़ा हो जाता है और फिर लंगड़ा के चलना पड़ता है। तो आपको इस चैप्टर को समझ के ये पता चल गया होगा कि जो गंदा पानी और गंदा खाना होता है इससे हमें बहुत सारा नुकसान है। अब देखिए आपका होमवर्क, आपको लास्ट होमवर्क दिया था मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, और आज आपको दे रही हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। विच डिजीजेज आर कॉज्ड बाय कॉन्टेमिनेटेड वाटर यानी गंदे पानी से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो हैं डेंजरस डिजीजेज लाइक क्लोरिया एंड टाइफॉइड फीवर। अदर वाटर बॉर्न डिजीज इंक्लूड डायरिया, डाइसेंट्री, पोलियो एंड मिनिंगिटिस। अनक्लीन वाटर फॉर वॉशिंग कैन कॉज स्किन एंड इन्फेक्शंस, आई डिजीज सच एज ट्रेकोमा। तो ये आपका आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3, जो आपको अच्छी राइटिंग में अच्छे से करना। ओके, थैंक यू।